आत्मानम्। जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं धर्म की रक्षा करूंगा। अगर हो कोई ऐसा जो फिल्म वेदा का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कर रहा है जॉन की सरेआम बेइज्जती, क्योंकि अगले डिजास्टर लोड जो हो रही है। तो दरअसल 15 अगस्त को जॉन भाई की वेदा उतरी थी मैदान में बड़े आराम से, पर अब इसके 3 दिन का कलेक्शन देखकर लग रहा है कि ये फिल्म तो एकदम सुस्त हो गई, जो कि मस्त होनी चाहिए थी। जैसे कि इस फिल्म ने पहले दिन 6 करोड़ की कमाई की, फिर अगले दिन फ्राइडे 16 अगस्त को 1,60,00,000 की कमाई की, फिर तीसरे दिन शनिवार को 2.40 करोड़ की कमाई करी, और ऐसे तैसे मिलाकर फिल्म ने अभी तक बस 10.50 करोड़ का ही बिजनेस किया है। मतलब देखा जाए तो 5 करोड़ तक पहुंचने में भी जॉन अब्राहम की वेदा की सांसें फूल रही हैं। और सेम यही हाल अक्षय कुमार की खेल खेल में का भी है, जिसने तीसरे दिन 2.84 करोड़ का कलेक्शन किया है। हाँ, अब ये वेदा से थोड़ा सा ही बेटर कलेक्शन है, पर खेल खेल में का 3 दिन का कलेक्शन तो बस 9 करोड़ का ही है। यानी आप देख रहे हैं, इन दो फिटनेस फ्रीक बंदों की फिल्में किस तरह से आलसपन दिखा रही हैं। वैसे इसमें इन फिल्मों का भी क्या ही दोष, क्योंकि इन दो बड़े स्टार्स को ही स्त्री के साथ मुकाबला करने का बड़ा शौक चढ़ा था, और स्त्री तो अपने कलेक्शन की वजह से अब इनके सामने किसी डायनासोर से कम नहीं है, जिसने 3 दिनों में 135 करोड़ का कलेक्शन अपने जेब में डाल लिया। शोज भी हाउसफुल कर रही है और एग्जिबिटर्स का फायदा भी हो रहा है। ऐसे में वेदा और खेल खेल में का लोग ऑब्वियसली इतना मजाक ही उड़ाएंगे, जो कि बहुत जाहिर सी बात है। वैसे पर इतनी हैरानी की बात यह है कि जॉन अब्राहम की लास्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान, जिसने काफी ज्यादा अच्छा कलेक्शन किया, एंड दैट इज 57 करोड़ की ओपनिंग लेकर 3 दिनों में ही 166 करोड़ का कलेक्शन कर लिया, जिसमें वे विलन बनते नजर आए थे, उसके कंपेरिजन में वेदा का कलेक्शन उसके 1% भी नहीं है। हालांकि इन दोनों फिल्मों का वैसे कोई कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, पर अगर वेदा का कंपैरिजन सत्यमेव जयते और बाटला हाउस के साथ करें, क्योंकि ये जॉन की डायरेक्टर निखिल अडवाणी के साथ की पिछली फिल्में हैं जिन्होंने ये वेदा बनाई है, तो वो भी बढ़िया जोर दिखा चुकी थी। जैसे बाटला हाउस ने 3 दिनों में 33 करोड़ और सत्यमेव जयते ने 36 करोड़ कमाकर हिट का टैग तो ले लिया था, पर वेदा तो इनके आधा भी नहीं कमा पा रही यार। ऐसे में वेदा फ्लॉप होने के रास्ते पर पूरी तरीके से दिख रही है। अब इस सब में जॉन का क्या रिएक्शन होगा, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828800888।